Welcome to Karma & Co Education, Strive to Excellence. Hello students, welcome to our channel Karma & Co Education. So students, today we are going to start CBSC NCERT class 10th maths ka chapter 3 exercise 3.2 solutions pair of linear equations into variables class 10th, theek hai? और बेसिकली हम 3.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन नंबर फोर तक कर चुके हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे, प्रीवियस वीडियो में. आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोड किया हुआ है पहले ही बच्चों. सर आज हम करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन, 5, 6 and 7 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है. सो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है. देखा है बच्चों, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है कोई जिसका हाफ पेरीमीटर जो है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ. जिसकी लेंथ जो है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो 4 मीटर ज़्यादा है उसकी विड्थ से, इज 36 मीटर. वो पेरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, ठीक है, हमें गार्डन के डायमेंशंस बतानी है. तो क्वेश्चन बच्चों आपको देखने से लग रहा होगा कि बहुत टफ सा क्वेश्चन है, क्या लिखा है ये, हाफ द पेरीमीटर, 4 मीटर इज मोर देन इट्स विड्थ, 36 मीटर एंड सो ऑन. बट कुछ नहीं है गाइस, इसको थोड़ा सा ध्यान से और अच्छे से पढ़ते हैं, हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है. कोशिश करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करने की. सो फील कैसे किया जा सकता है क्वेश्चन को, डायग्राम से. डायग्राम बना के कोशिश करते हैं, इसकी फिगर बनाते हैं, ठीक है. सबसे पहले क्या दिखा मुझे, रेक्टेंगुलर गार्डन दिखा एक, ठीक है. बना लेते हैं रेक्टेंगल, बना लेते हैं सिंपल सा. ये हो गया है मेरा एक रेक्टेंगुलर गार्डन मान लो, ठीक है, ए बी सी डी. एंड यस, ये ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए. इफ़ यू डोंट वांट टू ड्रॉ द डायग्राम और फिगर, नो नीड टू ड्रॉ दिस, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है. अगर आप थोड़ा सा समझना चाहते हो या अगर नहीं समझ में आ पा रहा है, यू कैन यूज दिस डायग्राम ऑल्सो. अब ये हमने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगुलर गार्डन बना दिया, ठीक है. लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर ज़्यादा है इसकी विड्थ से. सो मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं हम क्या, लेंथ को x मान लेते हैं. तो लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी, x मीटर. हमने विड्थ कितनी मान ली, x मीटर. और हम x या y क्या मानते हैं, जो चीज़ हमें निकालनी होती है. और अब देख लो हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशंस. और किसी भी रेक्टेंगल के डायमेंशंस कौन से होते हैं, इसकी लेंथ और इसकी ब्रेथ, यही तो डायमेंशंस होंगे ना. लेंथ और ब्रेथ आर द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल, सीधी सी बात. तो हमें यही दोनों चीज़ें निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ. तो हमने विड्थ को x मान लिया और लेंथ को क्या माने, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज. अब बच्चों चाहें तो हम इसे वन वेरिएबल में भी कर सकते हैं, बट हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, वी हैव टू यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है, हमें मानना पड़ेगा. ऑल दो हम चाहते तो इसे वन वेरिएबल से भी इजीली सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो दे रखा है कि 4 मीटर ज़्यादा है. तो हम x की जगह x प्लस 4 मान लेते, सीधी सी बात. बट नहीं कर सकते हम, क्या करते हैं इसको y मान लेते हैं अभी, ठीक है, कि ये कितना है हमारा y मीटर, जो लेंथ है वो y है और जो विड्थ है वो x मीटर है. अब देखते हैं हमारी दो ही इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी गिवन है इसकी. पहली इन्फॉर्मेशन तो यही है कि लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है. सो मैं लेंथ और विड्थ को दोनों को इक्वेट कर देता हूँ और फिर सोचता हूँ, फिर क्या सोचूंगा, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, मतलब कहीं ना कहीं लेंथ ज़्यादा है ब्रेथ कम है, ठीक है. कितनी ज़्यादा है लेंथ, 4 मीटर ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेथ में 4 इंक्रीज कर देंगे उसको इक्वल करने के लिए. भाई हम कोई भी दो चीज़ मानते हैं, इक्वेट करते हैं, तो दो ही चीज़ होते हैं ना, उसे बैलेंस की तरह यूज़ करो, केवल बैलेंसिंग की तरह. ये एक्स है ये वाई, ठीक है, लेंथ है ये ब्रेथ, क्या ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है तो मैंने इसको ज़्यादा कर दिया, इसको कम कर दिया.
अब ये देखो कितना ज़्यादा है, 4 मीटर, 4 प्लस, ख़त्म बात, या 4 माइनस, बात इक्वल हो गई। तो बस वही करते हैं हम बच्चों, क्या करेंगे, एक्स मीटर है विड्थ, तो विड्थ में क्या करेंगे हम, प्लस 4 कर देंगे, एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई। ये बन गई हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, इसको ऐसे भी हम छोड़ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, नो नीड, जस्ट इसको ऐसे ही छोड़ दो, लीव इट। सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं बच्चों, ये तो हमारा केस फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में वो कहता है हाफ द पैरीमीटर, क्या बात कर रहा है वो, हाफ द पैरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा थी उसकी ब्रेथ से, इज 36 मीटर। उसका पैरीमीटर का हाफ कितना है, 36 मीटर है। तो हम किसी भी रेक्टेंगल का पैरीमीटर कैसे निकालते हैं, रेक्टेंगल का पैरीमीटर कैसे निकालते हैं बच्चों, याद है 2l + b, कैसे निकालते हैं, सेकेंड इन्फॉर्मेशन में क्या लिखेंगे हम, 2l + b, l + b मीन्स x + y, ठीक है, और इसका हाफ, इसका हाफ पैरीमीटर का हाफ क्या है, 36 के इक्वल है। सिंपल, पैरीमीटर होता है 12 + b, पैरीमीटर का मैंने हाफ कर दिया 2 से डिवाइड करके, 36, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन मेरी आ गई x + y इज इक्वल्स टू 36। ये मेरी बन गई सेकेंड इन्फॉर्मेशन, तो मुझे अपनी दो इन्फॉर्मेशन तो मिल गई। अब हमारा काम क्या है, इसको ग्राफ पे ड्रॉ करना और इसके सॉल्यूशंस निकालने, डायमेंशंस निकालने। ठीक है, तो जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन नोट कीजिए बच्चों, फिर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इनके पॉइंट्स निकालते हैं। दो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली, जो इक्वेशन हमने निकाली थी, ठीक है, उन इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन में हमने कन्वर्ट कर लिया था ना, तो अब देखते हैं इनके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। x + 4 = y, x + y = 36, तो पॉइंट्स कुछ इस हिसाब से मान लेना कि जिससे कि हमारे दोनों पॉइंट्स आसपास में आ जाए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 मानूंगा तो मेरे को 4 या -4 मिलेंगे और यहाँ 36 मिल जाएगा। तो ग्राफ पे तो फिर भी बना सकते हो, एक बार को आपको एग्जैक्ट लाइंस मिल जाएगी। ठीक, यहाँ पर मैं थोड़े बीच के पॉइंट्स मान लेता हूँ। सो देखो कैसे, मैंने यहाँ पे लिखा 16, मैं क्या मानता हूँ, x को 16 मान लेता हूँ, ठीक है, तो y कितना हो गया, 20, मैं x को 20 मान लेता हूँ, y कितना हो गया, 24, तो इन बिटवीन के मैंने नंबर्स मान लिए बीच बीच के। यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, मैं y को मान लेता हूँ 16, y को 16 माना तो x कितना हो गया, 20, और अगर मैं x को 20 तो हो गया, x को 16 मान लूँ तो y कितना हो जाएगा, 20। सो कुछ पॉइंट्स मैंने ऐसे मान लिए जो 16-20 के बीच में आ गए। तो मैंने यहाँ पे 4-4 का गैप ले लिया दोनों साइड, ठीक है, बाकी आप जितने मर्जी का गैप लो, चॉइस इज टोटली योर्स। ये हमने कार्टेशियन प्लेन बना दिया है, हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, 16-20, x का 16, y का 20, कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देख लो, ये आ जाएगा कुछ ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा, ठीक है, 16-20। अब x 20-24, x का 20 और 24, कुछ जाएगा यहाँ पर बच्चों, कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है, और इन दोनों रेज को हम जॉइन कर देते हैं। तो ये कैसे ज्वाइन होंगे बच्चों, ये कुछ इस तरीके से ज्वाइन होंगे हमारे, ठीक है, ये लाइन आ जाएगी हमारी एक इस तरीके से, ये पॉइंट्स लिख दो यहाँ पर, ये था 16-20 और ये था 20-24। सेकेंड लाइन प्लॉट करते हैं, x का 16, y का 20, तो वो तो सेम ही पॉइंट मिल गया मुझे, ये वाला x 20, y 16, 20 का 16 पे है, ओके, 20, 16,
ये कहाँ आएगा, समथिंग ये वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो यहाँ से। तो ये कैसे ज्वाइन हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे जाएगा ये कट होके, ठीक है। ये 36 यहाँ पे लिख देते हैं, ये ऐसे जाएगा और ये ऊपर से कट गया हमारा। दैट्स एनफ फॉर अस, पॉइंट्स हमने लिख दिए। दोनों इक्वेशंस लिखो, ये वाली लाइन थी एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू वाई, और ये वाली लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। क्या सॉल्यूशन होगा बच्चों, क्या डायमेंशंस आए हमारे? हमारे डायमेंशंस क्या होते हैं, जो लाइन इंटरसेक्ट होती है, दोनों लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ पर हमारा क्या है 16 और 20, ठीक है, ये और ये कुछ इस तरीके से। तो हमने क्या माना था, विड्थ, विड्थ को हमने y माना था, आई थिंक विड्थ को हमने x माना था। तो विड्थ हमारी कितनी हुई, 16 मीटर, और लेंथ को हमने क्या माना था, लेंथ को हमने क्या माना था y, विच इज 20 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर। इसके ऊपर हमें क्या लिखना है साथ में, ये दोनों इक्वेशंस ग्राफ पे यहाँ पे साइड में आपको जो जगह मिलती है वहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो हमने इस तरीके से आंसर निकाल दिया कि जो विड्थ थी वो 16 मीटर थी और जो लेंथ है वो 20 मीटर है। इक्वेशंस को चेक कर लो, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 4 मीटर का गैप है, ठीक है। दूसरी, हाफ द पेरीमीटर इज 36, इसका पेरीमीटर निकाल लो, उसका हाफ कर दो। पेरीमीटर होता है 2l + b, उसका हाफ भी करना है पेरीमीटर का, तो यस 36 सेटिस्फाइड। चलो जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सेज गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2 वेरिएबल्स में। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है इसकी, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर सो फॉर्म्ड इज, और तीनों केसेस में बनानी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी, पैरेलल लाइंस में भी, और कोइंसिडेंट लाइंस में भी। हमें एक और इक्वेशन लिखनी है, दूसरी इक्वेशन, जिससे कि लाइंस इंटरसेक्ट हो जाए, पैरेलल बन जाए या कोइंसिडेंट बन जाए। कैसे लिख सकते हैं हम, हमें क्या पता कि हम इस इक्वेशन के साथ कौन सी इक्वेशन को मैच करें कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो। तो बच्चों, हमने एक चीज़ पढ़ी थी, रिलेशनशिप पढ़ा था हमने, रिलेशनशिप मींस बिटवीन द रेशियोज, हमने निकाली थी ना दोनों की, कोएफिशिएंट्स की रेशियो जो निकाली थी, उसी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, इंटरसेक्टिंग लाइंस में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, a1 / a2 नॉट इक्वल्स टू b1 / b2, ये हमने पढ़ा था a1 / a2 नॉट इक्वल्स टू b1 / b2। तो अब मैं सेकंड इक्वेशन के जो x और y के वेरिएबल होंगे कुछ इस तरीके से लूँगा कि ये रेशियो इक्वल ना हो मेरी, ये रेशियो इक्वल ना हो मेरी। मतलब अगर मैंने लेट्स सपोज इसको 2 से इंटू कर दिया x के कोफिशेंट को, तो मैंने सेकंड इक्वेशन बना दी 4x 2 से इंटू करके। अब मैं y को क्या करूँगा, y को केवल 2 से ही मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, बस y को 2 के अलावा किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जस्ट सपोज -2 से ही कर दूँ, -6y, कॉन्स्टेंट टर्म की तो यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे हम, तो जो मर्जी लिखे हम, लिखो भी या मत लिखो, चॉइस इज योर्स। तो मैंने क्या किया बच्चों, 4x - 6y लिख दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं रेशियो निकाल दूंगा 2/4 = 1/2, 3/-6 -1/2 इक्वल वी रेशियो नहीं, दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि जिस नंबर से मैं x के कोफिशेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y को चेंज कर दो, बस
तो ऐसे तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है बच्चों, इनफाइनाइट इक्वेशन लिख सकते हो मैं ऐसी। तो एक एग्जांपल और देख लो, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। इसमें तो फिर भी आपको लग रहा होगा कि क्या यार दिक्कत होगी कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, उसको -2 से करो या 3 से करो या 4 से करो। और सिंपल तरीका देख लो, 2x को ऐसे ही उतार दो, 2x को ऐसे ही उतार दो, और जो y का कोफिशेंट है उसका साइन चेंज कर दो, ख़त्म करो बात। y के कोफिशेंट का साइन ही चेंज कर दो, y प्लस में है तो माइनस में बना दो, माइनस है तो प्लस बना दो। प्लस 3y है, मैंने लिख दिया -3y, -8=0। दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन एंड आई थिंक मच बेटर देन द फर्स्ट वन। वैसे तो फर्स्ट में भी कुछ हमने खास नहीं किया, मैंने केवल ये बताया जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो उस नंबर के अलावा उसको छोड़ के किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म, ठीक है। वरना उसको भी अगर आपको मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा दिक्कत आती है तो हम क्या करेंगे, x का कोफिशेंट हमने ऐसे लिख दिया और y के कोफिशेंट का साइन चेंज कर दिया, काम खत्म, ठीक है। y के कोफिशेंट का साइन चेंज कर दिया, काम खत्म हमारा। आ गया पहला आंसर हमारा। चलो जी दूसरे की बात करते हैं अब हम, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की रेशो क्या होती है बच्चों? बस रेशो याद होनी चाहिए आपको, अगर ये रेशो याद है तो हम कर सकते हैं इजीली। पैरेलल लाइंस होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। ये दोनों रेशो इक्वल होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट की रेशो से इक्वल ना हो बस। तो अब ये दोनों तो हमें सेम यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर मैं 2x का डबल कर रहा हूँ तो 3 का भी डबल ही करूँगा, 2x को 10 टाइम्स किया तो y के कोफिशेंट को भी 10 टाइम्स करूँगा, तो जो मैं x में चेंज करूँगा वही y में चेंज करूँगा। उसके अलावा कांस्टेंट में चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट में चाहे साइन चेंज कर दो या कुछ और कर दो, चॉइस इज योर्स। तो मैं अगर सिंपल भी लिख दूँ ऐसे ही, 2x + 3y, सेम लिख दिया मैंने दोनों, कांस्टेंट का मैं साइन चेंज कर देता हूँ उठा के, ख़त्म। ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे लिए सबसे अच्छा है कि जहाँ पर भी मुझे दिख रहा है नॉट इक्वल्स टू है वहाँ पर साइन ही चेंज कर दो उसका, ख़त्म करो। प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, हमें पता है। और कुछ करना चाहते हो आप, थोड़ी डिफरेंट बनाना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करके मुझे मिल जाएगा 4x 6y, और उसको 2 के अलावा किसी और नंबर से बनना उसको ऐसे ही लिख दो, क्योंकि वो तो मुझे नॉट इक्वल्स टू बनाना है। तो ये भी लिख सकते हो आप, और ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हम, इनफाइनाइट इक्वेशंस हम बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। बात करते हैं कोइंसिडेंट की। कोइंसिडेंट क्या होता है? जब तीनों कोफिशिएंट्स हमारे इक्वल होते हैं, a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, तो क्या होगा? तीनों इक्वल है ना, या तो सेम इक्वेशन लिख दूँ। अब बच्चों सेम इक्वेशन लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बस ये है, अगर आप सेम ही इक्वेशन लिखी आए तो इन्फॉर्मेशन ही सेम हो गई ना, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन की बात नहीं हुई रही, और हमें अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है कोई, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा ये अच्छा नहीं लगेगा कि हम सेम लिख दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 3 से कर दो या किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, और ज़्यादा करो तो 10 से कर दो, एक एक जीरो लगा के आ जाओ तीनों के आगे, ठीक। बस इतना करना है, 2 से कर देते हैं हम, 4x 6y और 16, मैंने सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे तीनों के रेशियोज सेम चाहिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। तीनों इक्वल होने चाहिए, तो तीनों को 2 से करो या तीनों को 3 से करो या तीनों को 5 से करो या किसी भी नंबर से, ठीक है, तीनों को ही मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चों सबसे सिंपल क्वेश्चन था हमारे लिए, कुछ खास नहीं था, थोड़ी सी जनरल नॉलेज की ज़रूरत है, और ये रेशियोज अगर हमें याद हैं, जिसके लिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से समझ लिया था कि ये रेशियोज एक्चुअली होती क्या हैं, तो अगर हम ये समझ लें कि रेशियोज होती क्या हैं तो फिर हमारे लिए दिक्कत ही नहीं है ये रेशियोज तो, ठीक है। चलो जी करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन बच्चों, 7th क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स देखते हैं 7th क्वेश्चन हमारा, ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0। सो हमें सिंपल से दोनों इक्वेशन दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि ग्राफ बना दो उसका, हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं, ग्राफ बनाने हम बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। आगे क्या कहता है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। ओके, तो जो हम ग्राफ बनाएंगे वो दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस
मिलकर के एक ट्राइंगल बनाएंगे, उस ट्राइंगल के मुझे कोऑर्डिनेट्स बतानी है और साथ साथ उसको शेड करना है, तो शेड तुम कर ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारा काम है ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए इसके दो दो पॉइंट्स निकालते हैं। इक्वेशन तो वैसे ही सिंपल सी है, पॉइंट्स भी सिंपल ही निकल जाएंगे हमारे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। मान लो x को 0 मान लो, y 1, x को 0 माना y 1 हो गया, y को 0 माना माइनस 1 आ गया, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, मैं इक्वल्स टू 12 कर देता हूँ ताकि मैं ग्राफ सिंपल सा बना सकूँ और पॉइंट्स भी इजीली निकाल सकूँ इसके। x को 0 रखा y 6 और y को 0 रखा x 4, ठीक, ये हमारे निकल गए पॉइंट्स। चलो जी ग्राफ देखते हैं बच्चों, ये हमारी y एक्सिस, y में नेगेटिव पॉइंट्स है ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, यहीं पे बना देते हैं हम। ये हमारी x एक्सिस, नेगेटिव पॉइंट्स के लिए थोड़ा एक्स वाई का है ना माइनस वन, क्योंकि बस ये y नेगेटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव। देखो बच्चों, x 0 है ये, तो ये माइनस वन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, माइनस में ज़रूरत ही नहीं है, मत बनाओ चाहे। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, फोर, सॉरी फाइव, फाइव, ठीक है। तो ये प्लस वन है, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस के तो नीचे आते हैं बच्चों। आए देखते हैं, जीरो वन, एक्स का जीरो वाई का वन मिल गया हमें डायरेक्ट, जीरो माइनस वन ये वाला पॉइंट, वाई का जीरो एक्स का माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन जीरो और ये वाला पॉइंट हो गया जीरो वन, दोनों को मिला देते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, इन दोनों लाइंस को मिला दो, इस तरीके से चली जाएगी ये दोनों लाइंस, ठीक है, स्केल से आपसे बढ़िया से बन जाएगी ये लाइन, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा देखो, x 0 y 6, अच्छा y 6 बना लेते, लो जी 6 बन गए, क्या दिक्कत है। 4 0 ये वाला, ये हो गया 4 0 और ये हो गया 0 6, मिला दो इनको भी। चलो जी देखते हैं कहाँ मिलते हैं ये, कुछ इस टाइप से आ जाएगी ये लाइन, ठीक है, और ये ऐसे जा रही थी हमारी लाइन। तो ये कहाँ मिली बच्चों, आइए देखते हैं, ये तो 3 के आसपास आ रही है और ये 2 पे आ रही है। तो पहले तो ये देख लो कि क्या कोई ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि वो क्या कह रहा था, डिटरमाइन द ट्राइंगल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो इस पॉइंट को तो हम लिख ही देंगे नाम, ये हमारा आ रहा है 2 3 कुछ करके। तो पहले तो ट्राइंगल देखो, ये दोनों लाइंस ऐसे जा रही हैं, इस लाइंस की इक्वेशन भी लिख देना याद से, ये है 3x प्लस 2y वाली, 3x प्लस 2y माइनस 12, ठीक है, और ये थी x प्लस y वाली, x माइनस y प्लस 1, चलो जी अब देखते हैं। तो ये दोनों लाइंस हैं और ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस, कह रहा है वो, तो ये y एक्सिस वाले ट्राइंगल को मत समझ लेना, क्योंकि ट्राइंगल y पे भी बन रहा है और x पे भी बन रहा है, तो ध्यान से देख लेना, x वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है वो जो x एक्सिस पे बना हुआ है। ये कोऑर्डिनेट्स मान लो A, इसको मान लो B और ये मान लो C,
तो ए क्या होगा हमारा, ए तो हमारा 2, 3 आ रहा है, मैच कर लेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। बी तो हमारा एग्जैक्ट है, -1, 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आए, 4, 0। ठीक है, ये आ गए हमारे। बच्चों ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसको शेड कर देना हल्का हल्का सा, ये पूरा ट्रायंगल जो है यहाँ तक पर, ये पूरा इस तरीके से शेड कर आना अच्छे से। ठीक है, अभी हम यहाँ पे शेड करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, वरना ये फिगर बिल्कुल बेकार सी लगेगी, आपको समझ भी नहीं आ पाएगी कि एक्चुअली करा क्या है। तो शेड करने का काम आपका खुद का है, डू इट योर सेल्फ। ठीक, तो एक बार हम इसका आंसर जरूर चेक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, आंसर चेक क्या करना है, दोनों इक्वेशंस से वेरीफाई कर लो 2, 3 क्या वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि बाकी 2 पॉइंट्स तो हमारे थे ही। ठीक है, तो 2, 3 अगर हम एक्स को 2 लें, 2 + 1, 3, -3, 0 करेक्ट है। एक्स को 2 लें, इसको 3 लें, 2, 3 = 6, 3, 2 = 6 करेक्ट है। दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब कि आंसर हमारा सही है, ये हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, तो अगर हम हाथ से भी बना रहे हैं बच्चों, तो थोड़े थोड़े मेजरमेंट्स अगर हमारे ठीक हैं, तो ग्राफ हमारा हमेशा ठीक आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल लिख दिया, ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल, लिख देना ए बी सी इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी हमने मेंशन कर दिए। साथ में ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी होती है ग्राफ पर, वो चीज़ें लिख देना, एंड यस ट्राइंगल को हल्का हल्का शेड कर आना। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमने 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, सो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू गाइस।